हेलो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर 2022 और 13 दिसंबर 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी आप उसे देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ फाइल को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में भगवान परशुराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो कैथल जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर राजपत्रित अवकाश की घोषणा की है और इसके अलावा उन्होंने कैथल में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम परशुराम के नाम पर रखने की घोषणा भी की है। अब जिक्र हुआ था मेडिकल कॉलेज का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस लैब भी बनाई गई है। और करनाल जिले के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है? तो इसका सदस्य बनाया गया है दोस्तों, यहाँ पर योगेश्वर दत्त आएगा, योगेश्वर दत्त को इसका सदस्य बनाया गया है। अब जान लेते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी में पहलवान योगेश्वर दत्त को कार्यकारी मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों वहाँ पर योगेश्वर दत्त की जगह बजरंग पुनिया टाइप हो गया था, तो आप बजरंग पुनिया के बारे में पढ़ लेते हैं। बजरंग पुनिया का जन्म हुआ था 26 फरवरी 1994 को झज्जर के खुडान गाँव में और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है। और 2021 के में कजाकिस्तान में हुई एशियाई चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने रजत पदक जीता था। और हाल ही में बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक कुमार को पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य में पूजा पाठ कराने वालों के लिए किस बोर्ड का गठन करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की है, इससे पूजा पाठ करने वाले को एक निश्चित आय मिल सकेगी। अब जिक्र हुआ था बोर्ड का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई 1974 में, वर्तमान में चेयरमैन है पी राघवेंद्र राव। और हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 में, हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने की अवस्था में मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कितने लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है? तो इसके तहत ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। अब जान लेते हैं, हरियाणा के औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने की अवस्था में मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। अब जिक्र हुआ था वित्तीय सहायता राशि का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत श्रमिक महिला को 5100 रुपये की सालाना वित्तीय राशि दी जाती है। और मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की बेटी की शादी पर 71,000 रुपये का सगुन दिया जाता है। और कानूनी सहायता स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में पैरवी के लिए 22,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी प्रवीण हुड्डा ने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो प्रवीण हुड्डा ने इस चैंपियनशिप में ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते हैं, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की प्रवीण हुड्डा
और सविटेपुरा नेशनल पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था बॉक्सिंग का, तो हाल ही में सोनपद के वंशज ने स्पेन में हुई युवा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, और इसी चैंपियनशिप में कैथल की बेटी लासू यादव ने कांस्य पदक जीता है। और हरियाणा के दीपक बोरिया ने बहत्तरवें स्ट्रेंजा मेमोरियल है मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था, जबकि 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में भिवानी जिले की मुक्केबाज नीतू गणगस ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में भगवान परशुराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, तो कैथल में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है, तो योगेश्वर दत्त आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य में पूजा पाठ करने वालों के लिए किस बोर्ड का गठन करेगी, तो पुरोहित पुजारी बोर्ड का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने की अवस्था में कितने रुपए की राशि दी जाएगी इस योजना के तहत, तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी प्रवीण हुड्डा ने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। अब साथ ही साथ हरियाणा जीके का टेस्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी सात चौका खोरी का मेला लगता है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में मंगलमय पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है, इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में थानेसर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था ऑप्शन डी मराठा सदाशिव राव के द्वारा। नेक्स्ट है, ग्यारह रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन बी कैथल जिले में। नेक्स्ट है, रोहतक जिले के बेरी गांव के रुडमिल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया था, तो इसके शिवालय का निर्माण करवाया गया था ऑप्शन सी सन 1892 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में राजपूती पग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बी पाग कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये दोस्तों मुरथल में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था, तो तब रेवाड़ी के शासक थे ऑप्शन सी हेमचंद्र है। अब साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहाँ पर एडवांस सेंटर फॉर इन्फीशियस डिसीज सेंटर बनाया गया है, तो बनाया जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई थी, तो इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में ऑप्शन बी 1.04 स्क्वायर मीटर किलोमीटर में बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मेला का संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक संगठन के पेरिस में स्थित मुख्यालय में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट पद पर चयन हुआ था, तो यहाँ पर चयन हुआ था ऑप्शन बी दिव्या शर्मा का। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की हिमांशु डागी ने नेपाल में हुई खेलकूद प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य महिला आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका नया चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन बी रेणु भाटिया को। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्यपाल ने 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पर किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो राज्यपाल के द्वारा दोस्तों कहाँ पर, ऑप्शन ए पंचकूला में, मुख्यमंत्री ने अम्बाला में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस जिलाधीश को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की पावर दी हुई है, तो इसकी पावर मिली हुई है हरियाणा में सिर्फ इकलौते फरीदाबाद जिले के न्यायाधीश को, यानी कि जिलाधीश को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस विभाग को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन सी पुलिस विभाग को। नेक्स्ट है,
हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान ने गेहूँ की WH1270 किस्म को विकसित किया था? तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा कांड अफेयर का रिविजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो इस योजना के तहत ऑप्शन डी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में कितने सहयोगी देश होंगे? तो सहयोगी देश होंगे ऑप्शन डी 18, सहयोगी राज्य होंगे 8। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने मजदूर परिवारों की मुफ्त चिकित्सा जांच के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए फैमिली हेल्थ स्टेट स्कीम की। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा भारतीय तत्व व कार्य नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है ऑप्शन डी ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा? तो इनका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन डी गुरुग्राम में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस गांव को राज्य का पहला सोलर विलेज बनाया जाएगा? तो राज्य का पहला सोलर विलेज बनाया जाएगा ऑप्शन ए गुरुकुल खेड़ा गांव को, जींद जिले में पड़ता ही है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा? आपको कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।